इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर कॉरपोरेशन को ट्रेडिंग लॉसेस हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग प्रॉफिट को जब हम टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आने के बजाय हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉसेस। तो हमें उस साल उस पर्टिकुलर ईयर में कोई टैक्स नहीं पे करना होता, बेसिस ऑफ असेसमेंट नील हो जाती है और हमें ट्रेडिंग लॉसेस के अगेंस्ट रिलीफ का ऑप्शन मिलता है। तो जिस तरह इंडिविजुअल के लिए लॉसेस के रिलीफ के रूल हम लोग पढ़ते हैं, इसी तरह कॉरपोरेशन के लिए भी तकरीबन सिमिलर रूल्स हैं, बल्कि कॉरपोरेशन का जो ट्रेडिंग लॉस है वो कंपैरेटिवली इजी है बिकॉज इसके अंदर कोई कैप की लिमिटेशन नहीं है और स्पेशल ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ का ऑप्शन मौजूद नहीं है। अदर देन दैट द फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल इज टू कैरी फॉरवर्ड ऑफ द करंट ईयर लॉस, द सेकेंड वन टू ऑफसेट विद द करंट ईयर इनकम, थर्ड वन इज टू कैरी बैक अगेंस्ट टोटल इनकम, एंड द फोर्थ वन इज स्पेसिफिक टू द लास्ट ईयर ऑफ बिजनेस, दैट इज द टर्मिनल लॉस रिलीफ। नाउ एज फार एज द कैरी फॉरवर्ड लॉस रिलीफ मेथड इज अवेलेबल, सो अगर फॉर एग्जाम्पल 2019 में हमें लॉस आता है से सपोज 10,000 का, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड अवेलेबल है कि हम उसे नेक्स्ट ईयर में आने वाले प्रॉफिट से ऑफसेट कर सकते हैं। सो किस प्रॉफिट से ऑफसेट करना है? टोटल प्रॉफिट बिफोर क्यूसीडी से ऑफसेट करना। सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट से ऑफसेट नहीं करेंगे, किसी पर्टिकुलर इनकम से ऑफसेट नहीं करेंगे, बल्कि टोटल प्रॉफिट निकालेंगे लेकिन बिफोर क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशन उससे ऑफसेट करेंगे। द डेडलाइन और द टाइमिंग और द टाइम लिमिट इज नथिंग, सो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, दैट इज इनडेफिनेट टाइम पीरियड, जब तक हम अपने लॉसेस को फ्यूचर से ऑफसेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 2019 में लॉस आया और 2020 में प्रॉफिट नहीं है तो हम 2021 से ऑफसेट कर सकते हैं, सो एंड सो ऑन। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हमारी जो पार्शियल ऑफसेटिंग है, पार्शियल ऑफसेटिंग हमारी इस केस के अंदर अलाउड है। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट ईयर से 100% लॉस ऑफसेट करना है ये कंपलसरी नहीं है, हम चाहें तो पार्शियल ऑफसेट करके अपने क्यूसीडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम चाहें तो नेक्स्ट ईयर स्किप करके 2021 से भी ऑफसेट कर सकते हैं। अगर हमें क्लेम लेना होगा करंट ईयर के लॉस को कैरी फॉरवर्ड से ऑफसेट करना है, तो क्लेम की डेडलाइन है 2 साल ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इन विच लॉस इज रिलीव्ड। सो विद इन 2 years ऑफ द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अगर आपने क्लेम लिया, फाइन इनफ, अदरवाइज आपका ये क्लेम जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, फिर आप ये क्लेम नहीं ले सकते। नाउ फॉर एग्जाम्पल एज्यूमिंग अकाउंटिंग ईयर एंड है 31 दिसंबर 2019 और टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉस आया 45,000 का। अब हमारे पास सब्सिक्वेंट डेटा दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर का, प्रॉफिट है 10,000 का, देन प्रॉफिट है 8,000 का, देन प्रॉफिट है 30,000 का, और हमारे पास हर साल प्रॉपर्टी इनकम मौजूद है 5,000 की। कैलकुलेट टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट एज्यूमिंग लॉसेस आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड एंड क्लेम इज मेड टू रिलीफ लॉस एज अर्ली एज पॉसिबल। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई कि कैरी फॉरवर्ड करना है और कैरी फॉरवर्ड में एज अर्ली एज पॉसिबल करना है। तो क्योंकि यहाँ करंट ईयर की कंडीशन नहीं है, स्पेसिफिक कैरी फॉरवर्ड है, इसलिए हम पहले कैरी फॉरवर्ड पे जाएंगे और लॉस रिलीफ को लेने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो टैक्स ईयर बन रहे हैं यहाँ पर, तो इसके सॉल्यूशन में हमारे पास टैक्स ईयर है 19, 20, 21 and 22। So we have tax adjusted profit or loss. So in the year 19, there is a loss. So nil value and then 10, 8, 30. 10,000 ka profit, 8,000 ka profit and 30,000 ka profit. सिमिलरली हमारे पास पर एनम प्रॉपर्टी इनकम है हर साल की, वो भी हमने इसमें लिख दिया, 5,000 की प्रॉपर्टी इनकम है पर एनम। सो टोटल इनकम बिफोर क्यूसीडी, क्यूसीडी इस एग्जांपल में नहीं है, सो टोटल इनकम हमारे पास है
अब हम 19 के लॉस को प्रॉपर्टी इनकम से भी ऑफसेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सवाल में कंडीशन लगाई गई है तो इसलिए हम लॉस रिलीफ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो करंट ईयर से हम ऑफसेट नहीं कर रहे, और हमारा जो लॉस है टोटल लॉस हमारा वो है 45,000, जिसको हम ऑफसेट करवाएंगे। फर्स्ट हम ऑफसेट करवाएंगे ईयर 20 से। सो कितना ऑफसेट हो सकता है, हम मैक्सिमम ऑफसेट चाहे तो कर सकते हैं, दैट इज 15,000। उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर से ऑफसेट करवाएंगे, दैट इज 13,000। सो 21 इट्स 13,000। क्या लॉस रिलीव हो गया टोटल 15 + 13 = 18 and 28। सो इसका मतलब है हमारा जो रिमेनिंग लॉस बचता है यहाँ से 28, सो इट्स 17,000। अब ये 17,000 हम नेक्स्ट ईयर से ले सकते हैं, तो हमने नेक्स्ट ईयर से इसको ऑफसेट कर दिया, और आफ्टर ऑफसेटिंग हमारे पास करंट ईयर में इनकम है बिफोर क्यूसीडी, ये निल हो गया, ये निल हो गया, और यहाँ पर हमारे पास 18,000 का प्रॉफिट बिफोर क्यूसीडी है, जिसको हम टीटीपी भी बोल सकते हैं, और इसके ऊपर हमें टैक्स पे करना होगा। सो यहाँ पर कंडीशन लगाई गई थी एज अर्ली एज पॉसिबल, इसलिए हमने सब्सिक्वेंटली हर साल के अंदर लॉसेस को ऑफसेट किया। अगर यहाँ पर कोई क्यूसीडी होता तो वी हैव टू प्लान, और बिकॉज ऑफ द रीजन दैट के पार्शियल ऑफसेटिंग हमें अलाउड है, तो हम केयरफुली अपने क्यूसीडी को प्रोटेक्ट करते हुए लॉसेस का रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलीफ दैट इज अवेलेबल इज कॉल्ड करंट ईयर रिलीफ। करंट ईयर रिलीफ में अगर 2019 में लॉस आया तो 2000 के लॉस को हम करंट ईयर के टोटल प्रॉफिट बिफोर क्यूसीडी से ऑफसेट कर सकते हैं। अगेन इट्स एन ऑप्शनल थिंग, लेकिन यहां पर पार्शियल क्लेम इज नॉट अलाउड। तो अगर आपने ऑप्ट किया करंट ईयर तो आपको 100% मैक्सिमम ऑफसेटिंग करनी पड़ेगी, और इंडिविजुअल की तरह यहां पर कोई कैप नहीं है, तो एज मच एज पॉसिबल आपको ऑफसेट करवाना पड़ेगा, और क्लेम की डेट विद इन 2 years ऑफ द एंड ऑफ द लॉस मेकिंग पीरियड। सो अगर 19 का लॉस मेकिंग पीरियड है तो विद इन 2 years ऑफ द अकाउंटिंग एंड आपको इसको क्लेम करना पड़ेगा। यह एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें क्यूसीडी का ख्याल करना पड़ेगा, और क्यूसीडी को हमें बचाना है तो हम करंट ईयर फिर केयरफुली देखेंगे। मसलन इस सवाल में हमें ईयर एंड दिया हुआ है मार्च 2020, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉसेस हमारे पास हैं 35,000 के इस साल 19-20 के। वी हैव प्रॉपर्टी इनकम, चार्जेबल गेन एंड क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशन ऑफ 10,000। हाउ द लॉस रिलीफ कुड बी रिलीव्ड विद अ करंट ईयर क्लेम। सो करंट ईयर में हमारे पास ट्रेडिंग लॉस है और अदर सोर्स ऑफ इनकम मौजूद है। लेट्स सी हम अपना लॉस रिलीफ कैसे लेते हैं। सो द ईयर इज 19, टैक्स ईयर 19, एंड वी हैव द सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल प्रॉपर्टी इनकम एंड चार्जेबल गेन। सो वी हैव प्रॉपर्टी इनकम एंड चार्जेबल गेन। सो प्रॉपर्टी इनकम इज 10,000 एंड चार्जेबल गेन इज 40,000। सो इन दिस वे वी हैव टोटल प्रॉफिट बिफोर क्यूसीडी इज 50,000। इज इट इनफ टू ऑफसेट द करंट ईयर लॉस ऑफ 35,000? यस, अगर हम ऑप्ट करते हैं तो फिर हम पूरा 35,000 हमें ऑप्ट करना है। अगर हम ये चाहें कि हम 20,000 ऑफसेट कर लें, 5,000 ऑफसेट कर लें, दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड आफ्टर ऑफसेटिंग हमारे पास आंसर आता है टोटल प्रॉफिट आफ्टर रिलीफ। सो टोटल प्रॉफिट आफ्टर रिलीफ दैट इज 15,000। अब हमारे पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट है कि हम 10,000 का QCDB यहां से डिडक्ट कर सकते हैं, और हमारी TTP आएगी 5,000, जिसके ऊपर हमें करंट ईयर में 19% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, इस सवाल में अगर मैं एज्यूम कर लूं कि लॉसेस जो हैं वो इंस्टेड ऑफ 35,000 हमारे जो लॉसेस हैं वो 60,000 के लॉसेस हैं। अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि लॉसेस 60,000 के, तो फॉर एग्जांपल
हमारे पास ट्रेडिंग लॉसेस जो हैं वो 60,000 के हैं, प्रॉपर्टी इनकम 10,000 है, चार्जेबल गेन 40,000 है और QCD हमारे पास 10,000। अगर हमें करंट ईयर रिलीफ लेना है, क्योंकि अगर अर्ली रिलीफ पॉसिबल करना है तो करंट ईयर इज सूटेबल, तो अब यहाँ पर अगर मैं इस लॉस रिलीफ को लेता हूँ तो लॉस रिलीफ को करंट ईयर में हम ऑफसेट करवाएंगे प्रॉपर्टी इनकम से 10,000, चार्जेबल गेन 40,000, सो दिस इज टोटल प्रॉफिट बिफोर QCD। लेकिन हमारा जो लॉस है, क्योंकि वो 60,000 है, तो हमारा पूरा लॉस कवर नहीं हो रहा, तो हम मैक्सिमम पॉसिबल ले लेंगे 50,000 और ये हमारा ऑफसेट हो गया। सो इन दिस वे हम QCD को यूटिलाइज नहीं कर सके, तो हमारा QCD जो है वो ज़ाया हो गया, वेस्टेड है। और रिमेनिंग जो लॉस है, जो बाकी बचेगा आउट ऑफ 60,000, हाउ मच हैज़ बीन रिलीव्ड, 50,000। सो रिमेनिंग अनरिलीव्ड लॉस जो हमारा बाकी बचेगा, उसको या तो हम कैरी बैक कर सकते हैं या इसको हम कैरी फॉरवर्ड करके आगे फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं।